तो मैं हूं करण गुप्ता और इस वक्त आया हूं मैं बिलासपुर ज़िले के, ये रतनपुर क्षेत्र है और ये गांव है पौड़ी। और इस वक्त मैं खड़ा हूं, हमारा एक करेले का प्लॉट है जो कि रवि हाइब्रिड सीड का छोटू 53 वेराइटी है। अभी काफ़ी पुराना प्लॉट है, साथ में किसान भी हैं और हम ये देख के बहुत टाइम से मुआयना ही कर रहे थे यहाँ के जो किसान भाई हैं। एक बार हम उनसे जानते हैं इस वेराइटी के बारे में, अभी तक का इनका क्या अनुभव रहा है। भैया एक मिनट आ जाइए। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है भैया आपका? विक्की कश्यप। विक्की कश्यप जी, ये कौन सी वैरायटी है आपकी? ये रवि सीड का है, छोटू 53 का है। तो अभी तक कितना तुड़ाई आपने किया इसी? इसकी 7 हो गया है। 7 तुड़ाई, 7 तुड़ाई के बाद का ये प्लॉट है जी। तो पहले आपने ये वैरायटी लगाया था या पहली बार ही लगाया? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम, कैसा रहा अभी तक, क्या अनुभव है, कैसा एक्सपीरियंस मिला इसमें? एक्सपीरियंस तो अच्छा मिला है और करने में भी अच्छा लग रहा है खेती जी। आपने पहले भी करेला लगाया था? पहले लगा रहा था, नामधारी का लगा रहा था, उसमें क्या उतना उपज नहीं आ रहा था। तो उसके तुलना में इसमें क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या खासियत अच्छा लग रहा है इस वैरायटी का? इस वैरायटी में यह है कि फल भी अधिक दे रहा है, फूल भी अधिक दे रहा है, पौधे में वैक्सीनेशन जैसे कि अपना फंगिसाइड बहुत कम लग रहा है, इसमें स्प्रे वगैरह कम लग रहा है, स्प्रे वगैरह भी कम लग रहा है, मामले में भी अच्छा है। फल का क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? फल तो बहुत ही अच्छा साइज है, जैसे कि ये तोड़ के रखें, ये यही इसी साइज में तोड़ते हैं ना? इससे छोटा भी चढ़ जाता है, इससे बड़ा भी जाता है, एक एवरेज साइज पकड़ के चले। तो जैसा कि यहाँ के किसान भाई बता रहे हैं, ये जो छोटे करेला है इसका जो एवरेज साइज लगभग आता है 60 से 8 सेंटीमीटर के आसपास का साइज है। और सबसे अच्छी चीज़ इस वैरायटी की है कि इसमें स्पाइन अच्छा है, जो कांटे हैं वो बहुत बेहतरीन रहते हैं और वजन में भी अच्छा आता है। और आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं लगा है, लेकिन ये 7 से 8 तुड़ाई के आसपास का प्लॉट है। अभी तक भी देख पाएंगे एकदम से फ्रेश है और बहुत ही शानदार तरीके से अभी भी इसमें फ्रूटिंग चल रहा है। और लगातार बारिश होने के बावजूद भी इसमें ज़्यादा फंगिसाइड वगैरह का स्प्रे भी नहीं हुआ है, जैसा कि फर्स्ट टाइम ही लगाए हैं रिंकी भाई ने। तो बहुत खुश हैं इस वैरायटी को लेके और मंडी में बताते हैं रेट भी अच्छा मिल रहा है, हर 2 दिन छोड़ के 3रे दिन इसका हार्वेस्टिंग चलता रहता है। तो बाकी किसान भाई जो करेला लगाते हैं क्या कहना चाहेंगे आप उनको? यही वैरायटी का करेला लगा है और अच्छा उपज ले, ये छोटू 53। छोटू 53 का करेला। तो किसान भाइयों कैसा लगा आपको ये प्लॉट करेले का? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एग्री इंडिया को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही अलग अलग फसलों के बारे में, नई नई वैरायटी के बारे में आपको जानकारी देते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ।